अब देखो, हम तुम्हें पता है रेनेसा का एक बहुत जबरदस्त काम है, द डिवाइन कॉमेडी, है कि नहीं है? सर किसका है? एलिगरी दांते। दांते जॉनर क्या है? जॉनर किस जॉनर में लिखा गया है? एलिगरी एपिक, है एपिक ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज क्या है? इटालियन। नोट करते जाओ, ग्रेटेस्ट पोयम मानी जाती है यूरोपियन मिडिल एज की, ग्रेटेस्ट पोयम ऑफ यूरोपियन मिडिल एज। तीन कैंटिकाज में डिवाइडेड है, उस समय कैंटिकाज कहते थे। ये आ सकता है क्वेश्चन बहुत जबरदस्त। पहला कैंटिका का नाम है इन्फर्नो, जिसका मतलब होता है हेल। दूसरे कैंटिका का नाम है परगेटोरियो, परगेटोरियो का मतलब होता है परगेट्री। और तीसरे का मतलब, तीसरा है पैराडाइजो। पैराडाइज, ठीक है। परगेट्री सर, परगेट्री क्या होता है सर? तीनों आ गए। आवाज कट कट के आ रही है, किसी ने कुछ पूछा क्या? परगेट्री परगेट्री का मीनिंग पूछ रहे हैं। तुमने कई एक बार लिटरेचर में पढ़ा होगा। परगेट्री रोमन कैथोलिक चर्च के हिसाब से वो जगह होती है जहां, जैसे तुम्हारे वहां नरक स्वर्ग होते हैं ना, जहां उनके कामों के हिसाब से सजा दी जाती है, तो नरक को परगेटरी कहते हैं, ठीक है। पैराडाइज हो, पैराडाइज हो गया, तो परगेटोरियो मतलब नरक हो गया, समझ गए? हेल शुद्धि हेल केरल होता हेल भी नरक हो गया, परगेटोरियो वो हो गया जहां आपके कर्मों की सजा मिलती है, और पैराडाइजो पैराडाइज हो गया। समझ में आ गया? है जहां पे शुद्धि केरल हर एक में बहुत लंबी पोयम है, 33 कैंटोज हैं लगभग, प्लस एक इंट्रोडक्टरी कैंटो है, ठीक है। टोटल 14,233 लाइन। कंपोज्ड है टर्जा राइमा में। क्योंकि एलेगरी भी है, एलेगोरिकली, इसका मतलब क्या है? द सोल्स जर्नी टू गॉड। ये इसमें दिखाया गया है। ये जो पूरा वर्क है, इसमें क्या होता है, पोइट ट्रेवल करता है तीन जगह पे, द थ्री रैम्स ए डेड पर्सन इज एक्सपेक्टेड, जिसमें एक मरने के बाद आदमी जा सकता है, हेल, परगेट्री और पैराडाइज में। और ये सब होता है होली वीक के दौरान, ठीक है। दांते की जर्नी जो है तीन जगह से गुजरती है, और ये मिडनाइट्स, एक मिडनाइट पहले से शुरू होती है, गुड फ्राइडे से लेके और वेडनेसडे तक जाती है, ईस्टर के बाद, 1300 की जो है बसंत ऋतु में, ठीक
ये इसकी पूरी सेटिंग है। इस सेटिंग पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि इस पे मुझे कोई क्वेश्चन तुम्हारे लेवल पे नहीं लगता, ये नेट का लेवल है, जो इस पे आ सकता है वो बताऊंगा। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें आ सकता है, इस पूरी यात्रा के दौरान दांते को हेल और परगेटरी में एक रोमन पोएट गाइड करता है, ठीक है? दांते इज गाइडेड बाय ए रोमन पोएट। और वो होता है वर्जिल, और ये कहाँ गाइड होता है? हेल एंड परगेटरी में। और डांटे को अगर पैराडाइज में कोई गाइड करता है, डांटे इज गाइडेड बाय, वो है बीट्रिस, जिस पे लिखी गई है, बहुत सुंदर है लड़की, ठीक है? ये इसको गाइड करती है इन या थ्रू पैराडाइज। और एक सुपर हिट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर पार्ट में, तीनों पार्ट में जब एंड होता है, तीनों पार्ट का डिवाइन कॉमेडी के, तो लास्ट वर्ड एक ही है, ठीक है? लास्ट वर्ड इन ईच पार्ट। और वो है स्टेला, और स्टेला का मतलब होता है स्टार। तो मैं बता रहा हूं, वही पढ़ना, नोट्स वोट्स मत पढ़ना, आप सुन लो, समझ रहे हो कि नहीं? तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा मैं, तुम्हें खुद ही समझ में आया पढ़ना क्या है यार ये। जरा आ जाओ यूटोपिया पे, ऑथर थॉमस मोर। थॉमस मोर थॉमस सन 1516, जॉनर फिक्शन। लैटिन। अरे जॉनर लैटिन कब से होने लगा? एंड पॉलिटिकल सटायर। सटायर है। एक सिद्धांत बताते हैं, राम राज्य का सिद्धांत, आदर्शवादी राज्य का सिद्धांत, लैंग्वेज लैटिन, ठीक है? इंग्लिश में अब वैसे तो मैंने यूटोपिया के बारे में यूट्यूब में भी बहुत अच्छा डाला हुआ है, जिसने पढ़ा होगा, ठीक है? इसके तो दो पार्ट हैं, ये तो पता ही होगा। फर्स्ट पार्ट एक फ्रेम नरेटिव है, और इसमें जो नरेटर है वह है राफेल हितलोडे। राफेल हितलोडे कहां से बिलोंग करता है? ये पुर्तगाल का एक माइनर है, मैरिनर है, पोर्तुगीज मैरिनर। और इसके साथ एक इसका एक कंपेनियन है जिसका नाम है अमेरिगो वेस्प्यूकी। राफेल्स कंपेनियन। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूटोपिया का इंट्रोडक्शन कब दिया जाता है? अगर क्वेश्चन आया
सेकंड पार्ट में हितलोडे मिथिकल लैंड यूटोपिया को डिस्क्राइब करता है. इन द सेकंड पार्ट हितलोडे describes the mythical land of utopia. राम राज्य के द्वारा ये इंग्लैंड की जो उस समय की सोसाइटी थी उस पे एक क्या करना चाहता है, एक तंज कसना चाहता है. ठीक है, अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल अटैक ऑन द कंटेम्परेरी सोसाइटी. बोलो क्लियर हो गया. नेक्स्ट आते हैं ऑथराइज वर्जन ऑफ बाइबल, याद है 1611. ऑथर 47 ऑथर्स. जॉनर रिलीजियस टेक्स्ट. Language English. अब जरा फैक्ट पे आ जाते हैं. Commonly known as authorized version. Of the Bible in English. Process initiated by King James. In 1604 by James. James ने 1604 में 47 author को बुलाया classical जानने वाले और उनको एक Bible को process initiate करने का काम दिया 1604 में. सर 1607 में था, confused है. 1611. Yes, sir. एक मिनट, सात में दिया था, सही है, ग्यारह में आए. लेकिन राजा ने जब इस थॉट को प्रोसेस किया था कि ट्रांसलेशन बाइबल का स्टार्ट होना चाहिए वो 1604 ही था. ठीक है, 1607 स्कॉलर्स इनवाइटेड. चार साल इन्होंने वर्क किया, 1611 कंप्लीटेड. ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एंग्लिकन चर्च ने जो इंग्लिश ट्रांसलेशन बाइबल का अप्रूव किया था उन इंग्लिश ट्रांसलेशंस में ये तीसरा अप्रूव्ड बाइबल था. ठीक है, थर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन
to be approved. By the Anglican Church. ये एंग्लिकन चर्च क्या बोला है भाई? हेनरी एट्थ ने बनाई थी। तो इससे हमें समझ में आ गया एंग्लिकन चर्च क्या बोला है? नहीं, हमने तो पूछा ही नहीं किसने बनाई थी। एंग्लिकन चर्च इंग्लैंड का चर्च है एक्सक्लूसिवली। इंग्लैंड में इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, एक तो है कैथोलिक, कैथोलिक है रोमन, रोम का चर्च है, और एंग्लिकन चर्च पूरी तरह जो इंग्लैंड की क्रिश्चियनिटी है। क्या पीछे क्या हुआ ये? शांत हो गए? नहीं तो मेरे पास एक उपाय है। क्या हुआ? बच्ची रो रही थी तो इसे वुडवर्क ग्राइप वाटर दे दे। मैं भी तो तुझे यही दिया करती थी जब तू छोटी थी। ये देखा है तुमने एड? यस सर। ठीक है, इतनी जबरदस्त चीजें तुम्हें दे रहा हूं, जरा आराम से ले लो इन्हें। इन्हीं में से जब क्वेश्चन आएगा तो फिर तुम्हारे चेहरे खिल जाएंगे। ठीक है, अब तुमने कहा भाई एंग्लिकन चर्च ने तो तीसरी इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया, ये तो भला पहला और दूसरा कौन सा था ये भी तो बता जाओ। तो पहला था जिसे पहली जो पहला ट्रांसलेशन था इंग्लिश एंग्लिकन चर्च के द्वारा अप्रूव, उसे कहते हैं ग्रेट बाइबल। और ये आया था भाई साहब 1535 में। दूसरा था बिशप्स बाइबल, और ये आया था 1568 में। और ये तीसरा आया जो आया कौन सा? किंग जेम्स बाइबल, या फिर इसे कह लें ऑथराइज वर्जन। ग्रेट बाइबल की 35 है या 39 है भैया? मुझे तो 35 ही पता है, तुमने कहां से पढ़ लिया? सर देवेंद्र पुंछे करा, उसमें 39 है। पुंछे में तो देख लेना, मिला लेना। वैसे पुंछे में कई क्वेश्चन गलत भी हैं। जो तीन किंग जेम्स ने इसके लिए कितनी कमेटी बनाई? फॉर्म थ्री कमेटीज। ऐसे वैसे लोगों को थोड़ी सौंप पता है। एक कमेटी इसने बनाई वेस्टमिंस्टर में, दूसरी बनाई ऑक्सफोर्ड में, और तीसरी बनाई कैम्ब्रिज में। ये बेस्ड किस पे है बाइबल? बेस्ड ऑन, ये भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। वाइक्लिप्स बाइबल, और थोड़ा हिब्रू और ग्रीक बाइबल पे भी, प्लस हिब्रू एंड ग्रीक बाइबल। और एक इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं जो बहुत कम आपको मिलेगा, रेयरली शायद मिले ही नहीं। ठीक है, इस नई बाइबल को लोगों ने कहा इट वॉज कॉल्ड
द मिरेकल ऑफ इंग्लिश प्रोज. और ये इतना प्रिंट हुआ कि सबसे ज्यादा छपने वाली किताबों में एक हुआ स्ट्रीम. बोलो क्लियर है? हेलो. हाँ बोलो सर. ये वेक्लिप्स बाइबल जो लिखा है ये इंग्लिश में नहीं थी क्या? किसकी? वाइक्लिफ की? यस सर. क्यों नहीं थी? वर्नेकुलर इंग्लिश में थी, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में थी, बिल्कुल थी. तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये वेक्लिफ ने जो ये बाइबल लिखी इसने भी ट्रांसलेशन किया था क्या? वेक्लिफ ने भी? हाँ बिल्कुल किया था. तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो राजा ने आदेश दिया कि इतनी सारी बाइबल है, एक ऑथराइज बाइबल बनाते हैं जिसमें मेरी मोहर लगेगी, लोग उसी को मानेंगे सही बाइबल इंग्लैंड के अंदर. अच्छा, तो ट्रांसलेशन बहुत लोगों ने किया होगा. बहुत लोगों ने. अरे अभी भेजूंगा तुम्हें मैं बाइबल स्पेशल लेक्चर, उसमें पता चलेगा. ये तो मैंने दो तीन ही बताई है, कम से कम 8-10 तरीके की बाइबल हैं. ठीक है, ग्रेट बाइबल मैंने बताया, बिशप्स बाइबल, फिर एक परसीज बाइबल, कितनी बाइबल हैं. तो यही तो राजा ने कहा कि एक ऐसी बना देते हैं जिसपे मेरी मोहर और इंग्लैंड वासी उसी को समझे कि यही बाइबल है. समझे कि नहीं? यस सर. सो फर्स्ट इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा सर? वो तो बता दिया मैंने, वाइक्लिफ ने किया है फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन. ओके. हाँ, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज किसको माना जाता है? वाइक्लिफ. तो फिर उसने सबसे पहला प्रोज किया. वाइक्लिफ खुद पादरी था पता है तुम्हें, लेकिन वो पादरियों के जो है करप्शन से और उनके रहने के तरीके, लैविश तरीके और लग्जूरियस लाइफ स्टाइल से इतना चिढ़ता था कि उसने उनके पोल खोलने की सोची. लोगों को जिस तरह बेवकूफ बनाते थे, तो उसने उन पे खुल के प्रहार करने के लिए बाइबल को लोगों तक बिल्कुल सही मीनिंग पहुंचा दी उसकी, इसलिए उसने काम किया. और बाद में वाइक्लिफ का क्या हुआ अंजाम पता है तुम्हें? हाँ याद आ गया. वाइक्लिफ तो तुम्हारी आवाज सुन के उसका हार्ट अटैक हो गया था. वाइक्लिफ का हार्ट अटैक हुआ था. यस. ठीक है, तो मैंने तुम्हें जो है रेनेसा के कुछ ऐसे वर्क कराए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जिसमें से क्वेश्चन छिपे हुए आ सकते हैं. वैसे एक आध मेरे को और कराने का मन है, जैसे डेकामेरॉन, डॉन के होते वगैरह, लेकिन मुझे लगता है कि डॉन के होते वगैरह उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अब मैं तुम्हें कल जो वर्क कराऊंगा 3-4 वो कराऊंगा एनलाइट.